खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां पशुपालन विभाग और जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 770.88 लाख लागत की 4 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके तहत ही उन्होंने विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित कर जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले समूह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध हो, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा ने एक नया कीर्तिमान बनाया है, जिसमें 9.5 लाख से अधिक यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, और इस यात्रा को सुगम ढंग से संचालित अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। देखिए, टोटल में आज हमने लगभग 7.70 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, और जिसमें कि हमने लोक निर्माण विभाग से ओखीमठ में कुछ रोडों की स्वीकृति दी है। उसके साथ पशुपालन विभाग में हमारा राजकीय पशु चिकित्सालय केंद्र चंद्रपुरी में हमने उसके निर्माण के लिए 46 लाख रुपये की स्वीकृति, निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग में लगभग 2.40 करोड़ की स्वीकृति है, और उसी के साथ साथ एक शिलान्यास किया है हमने चिल्लौन मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर का, 36 किलोमीटर से लेकर स्थान सेतु निर्माण है, जो कि लगभग 4.59 करोड़ रुपए का है। तो जिले में लगातार कोशिश यही है कि जो मोटर मार्ग है उसकी सुधारीकरण किया जा सके। ये बहुत एक यहाँ पर एक ऐसा ट्रैफिक आता है, क्योंकि आपको मालूम है केदारनाथ धाम जी का क्षेत्र है, बाबा केदार का क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं, ये कि लोगों को रोड की सुविधा अच्छी मिल सके, और उसी को देखते हुए आज 7.5 करोड़ के आसपास के शिलान्यास किए गए हैं।